प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में रविवार को हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण के दौरान कच्ची दीवार गिर जाने से 8 से 15 वर्ष के 9 बच्चों की मौत हो गई थी। यहां बड़ी संख्या में बच्चे पार्थिव शिवलिंग बनाने पहुंचे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश की नाकाम मोहन सरकार ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया है। नाकाम मोहन सरकार ने दिखावे के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 2 सबसे बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लेकिन मोहन सरकार को यह ध्यान देने की जरूरत है कि जहां जहां यह वाक्य हो रहे हैं वहां वहां प्रशासनिक अधिकारियों पर ही गुस्सा निकाला जा रहा है। मोहन सरकार लगातार हादसों को सुधारने की बजाय या महत्वपूर्ण कदम उठाने की बजाय अधिकारियों पर ही दबाव डाल रही है, उन पर तबादले के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इससे प्रतीत होता है कि मोहन सरकार को हद से ज्यादा खुद की चिंता है। वह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता और मीडिया के सामने दिखावा करने के लिए अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। दरअसल सागर जिले के शाहपुर में हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई। घटना की गंभीरता के नाम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को देर रात हटा दिया गया। उनके स्थान पर संदीप जी आर को कलेक्टर और सहवाल को पुलिस अधीक्षक बनाया गया। साथ ही संयुक्त कलेक्टर सागर संदीप सिंह को भी हटा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को भी निलंबित कर दिया गया। मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा था कि अधिकारी संवेदनशील और सतर्क रहें, लेकिन जिस तरह से सागर के शाहपुर में घटना घटी उसे अधिकारियों की लापरवाही माना गया। इसके कारण मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों को हटा दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सरकार की कमजोरी को छुपाने के लिए सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं।